Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Today we will discuss pronouns of English grammar. Yesterday, you know very well that we discussed noun and its all types, and they were almost 10 in number. And today we will discuss all types of pronoun. First of all, we would define pronoun, and then we will discuss types of pronoun, inshallah. So I will begin today's lesson with definition of pronoun, and then we will move forward towards its types. जी तो चलिए शुरू करते हैं. अच्छा, जो प्रोनाउन है इंग्लिश ग्रामर में, ये उस वर्ड को कहा जाता है जो दरअसल आपके नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है. आपके कल वाले सबक में आपने नाउन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. नाउन दरअसल नाम होता है किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का. अब उस जो वर्ड उसको रिप्लेस कर रहा होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. आप लोग मोबाइल फ़ोन्स लेते होंगे. मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपने मिसाल के तौर पर आईफोन 13 लिया, और उसके बाद फिर उसका नेक्स्ट मॉडल आ गया, प्रो आ गया, फिर उसमें प्रो मैक्स आ गया. इसी तरह से 14 आता है, पहले लॉन्च होता है, फिर उसके बाद 14 का, फिर प्रो निकल आता है, मैक्स निकल आता है. तो जो भी रिप्लेस कर रहा होता है अपने से पिछले मॉडल को, अपने से पिछली जो वेरिएशन होती है उसको रिप्लेस करने जा रहा होता है, उसको हम प्रो कहते हैं. तो इसी तरह से जो नाउन को रिप्लेस करता है उसको हम प्रो नाउन कहते हैं. ये अपने नाम से ही विजिबल है. आप यहाँ इस स्लाइड में ज़रा देखिए, प्रोनाउन यहाँ पर कुछ मेंशन किए गए हैं. आई है, वी है, यू है, दे, ही, शी और इट, ये सब आपके पास प्रोनाउन है. मुझे क्यों प्रोनाउन है? आई जो है वाजे तौर पर एक नेम को रिप्लेस करता है. वी जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्लेस करने जा रहा होता है, नेम को. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हामिद है और अहमद है और अली है, तो ये जब तीन नाम हो जाएंगे तो फिर आप क्या कहेंगे? वी आर गोइंग टू स्विमिंग पूल. अच्छा, तो फिर आपका एक दोस्त है, आप उसका नाम लेते हैं अहमद. अच्छा, लेकिन जब दूसरे जुमले में आप दोबारा अहमद तो नहीं बोलेंगे, आप दूसरे या तीसरे जुमले में जाकर उसको जो है जी आप उसके नाम को रिप्लेस कर देंगे. आप उसके नाम हामिद की जगह आप यू ले आएंगे कि यू आर गोइंग टू अटेंड क्लास. अच्छा, नेक्स्ट आप देख लीजिए, दे है. दे में मतलब मिसाल के तौर पर बहुत से दो तीन नाम पहले मेंशन हुए हैं, अली है, हामिद है, अहमद है, मिसाल के तौर पर. तो फिर आप जब इन तीनों की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि दे आर गोइंग टू हैव डिनर. ठीक है, दे आर गोइंग टू ड्रिंक टी. तो मिसाल के तौर पर जब आप कुछ नामों को रिप्लेस कर देते हैं तो जमा में आप दे का इस्तेमाल कर लेते हैं, वाहिद में आप आई का कर लेते हैं, यू का कर लेते हैं, और इस तरह से गैर जानदार हो तो इट का कर लेते हैं. अगर एक लड़के की तरफ, अगर एक लड़के का नाम रिप्लेस करना है, हामिद का रिप्लेस करना है, तो आप ही ले आएंगे, और अगर एक लड़की का नाम रिप्लेस करना है तो आप शी की ज़मीर ले आएंगे. अच्छा, एक और अहम बात यहाँ नोट कर लीजिए कि हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती क्यों है, हम क्यों प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. देखिए, आप जब लिटरेरी राइटिंग करते हैं या कोई भी एकेडमिक अच्छा सा आर्टिकल लिखते हैं या अच्छी गुफ्तगू करते हैं, तो आप रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स से बचते हैं, अल्फाज के तकरार से आप बचते हैं. अल्फाज के बार बार जो रेपिटेशन होती है, तकरार होता है, दोहराया होता है, उससे आप बचते हैं. मिसाल के तौर पर आप एक बात कर रहे हैं, आप अपने स्कूल का नाम लेते हैं, आई स्टडी इन लाहौर ग्रामर स्कूल, और उसके बाद आप कहते हैं कि लाहौर ग्रामर स्कूल इज़ ए गुड स्कूल. फिर थर्ड सेंटेंस में आप कहते हैं कि लाहौर ग्रामर स्कूल इज़ ऑफरिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स. फिर फोर्थ सेंटेंस में आप कहते हैं कि लाहौर ग्रामर स्कूल हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स. देखिए, अब ये बार बार जो नाउन आ रहा है, लाहौर ग्रामर स्कूल बार बार आ रहा है, ये रेपिटेशन होती है. इस रेपिटेशन से आपके आपको अच्छा नहीं समझा जाता है कि यार ये किस किस्म की बात कर रहा है, बार बार एक चीज़ का नाम लिए जा रहा है, नाम लिए जा रहा है. तो ये जो अल्फाज को दोहराया जाता है उससे आपकी जो बोलचाल है उसका हुस्न ख़राब हो जाता है. तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड से बचने के लिए हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन के साथ. तो लाहौर ग्रामर स्कूल को हम रिप्लेस कर सकते हैं ईजिली इट के साथ. ठीक है ना, लाहौर, आई स्टडी इन लाहौर ग्रामर स्कूल, इट इज़ ऑफरिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स, इट हैज़ फर्निश्ड क्लासरूम एंड वेल इक्विप्ड लैब्स. तो इस तरह से आप नाउन जो लाहौर ग्रामर स्कूल है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं इट के साथ. एक और मिसाल से भी समझ लीजिए, आपका एक दोस्त है हामिद, तो आप उसको कैसे कहते हैं कि हामिद इज़ माई फ्रेंड, हामिद इज़ अ गुड बॉय, हामिद अटेंड्स क्लास रेगुलरली. अच्छा, ये देखें, आप जो रेपिटेशन आ रही है, हामिद के जो नाउन है हम इसको बार बार मेंशन कर रहे हैं, इससे अच्छा नहीं लगता है, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है. तो इसका सलूशन यही होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोनाउन की, तो हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन की तरफ. देखिए, अब जो हामिद है इसका प्रोनाउन बन जाएगा ही, तो हम ले आएंगे हामिद इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय एंड ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे.
तो ये हमारा रिप्लेसमेंट हो जाएगी प्रोनाउन के साथ। जी मैंने आपको थोड़ा सा प्रोनाउन डिफाइन कर दिया है और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स दी हैं। अब इस स्लाइड पर आप देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन, जो आपके नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो आपके प्रोनाउन होते हैं। देखिए ये जितनी भी लिस्ट नीचे लिखी गई है ये सब के सब आपके प्रोनाउन हैं। जी इस स्लाइड को ज़रा देखिए, प्रोनाउन को मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अली एक लड़का है, उसका जब हम नाम रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए हम ही ले आएंगे। जिस तरह से अगर आपने अरबी ग्रामर या उर्दू ग्रामर की थोड़ी सी अगर आपने स्टडी की हो तो उसमें आप ज़मीरें देखते हैं, मुज़क्कर की ज़मीर होती है, मोनस की ज़मीर होती है, इसी तरह से वाहिद जमा की होती है। तो ये देखिए वाहिद मुज़क्कर के लिए हम ही ले आते हैं, वाहिद मोनस के लिए हम शी ले आए हैं यहाँ पर। अच्छा जब जमा हो जाएगी ये तीन से चार लोगों के नाम हैं, ठीक है, मिसाल तौर पर फैमिली का नाम है या तीन से चार लोगों के नाम है, लड़कों के नाम है या लड़कियों के नाम है, तो उसमें हम दे ले आते हैं। इसी तरह से जो गैर जानदार चीज़ होती है, जिस तरह से पीछे मैंने आपको स्कूल की एग्जाम्पल में इट के साथ रिप्लेस की है, इसी तरह से आपका कोई भी जानदार गैर जानदार चीज़ है तो आप उसके लिए इट का इजाफा कर सकते हैं। साल तो भाई ये बलून है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपकी कैप है, आपके ड्रेसेस गारमेंट्स हैं, उस सब को आप इट के ज़रिए रिप्लेस कर सकते हैं। जी उम्मीद करता हूँ कि प्रोनाउन की आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखिए लिखा है, ए वर्ड दैट रिप्लेसेस द नेम ऑफ ए पर्सन, जो किसी शख्स के नाम को रिप्लेस करता है या किसी प्लेस या जगह के नाम को रिप्लेस करता है, थिंग और आइडिया इन ए सेंटेंस, या किसी चीज़ के या किसी नज़रिए के आइडिया के नाम को रिप्लेस कर देता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जी देखिए सबसे पहले इसमें आई और मी का लिखा हुआ, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए, वाहिद मुतकल्लिम के लिए आई का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्टिव हो जब केस सब्जेक्टिव होगा तो आई, जब केस ऑब्जेक्टिव होगा तो मी। ये आगे चलकर मैं आपको मज़ीद भी एग्जांपल से बता दूंगा कि सब्जेक्टिव रोल क्या होता है और ऑब्जेक्टिव रोल क्या होता है। नेक्स्ट देखिए वी और अस का लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, यानी कि जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, अगर आपने अरबिक या उर्दू ग्रामर थोड़ी सी गो थ्रू की हो तो उसमें इसको हम जमा मुतकल्लिम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए यू है आपके पास सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के लिए आ सकता है, जब आप किसी दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी तीन शख्स के लिए या तीन से ज़्यादा के लिए, दो से या दो से ज़्यादा के लिए हम दे और देम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लड़के हों या बहुत सारे स्टूडेंट्स हों तो उसमें हम दे या देम का इस्तेमाल करेंगे। ही हेम शी हर इट, ये आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इसकी आगे चलकर मज़ीद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अभी आपको पर्सनल प्रोनाउन जो है ये यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो किसी भी शख्स के, जगह के या चीज़ के या नज़रिए के नाम को रिप्लेस कर देता है, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जी प्रोनाउन की सेकेंड टाइप यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन की सेकेंड टाइप है। पोजेसिव दरअसल कहते हैं मलकियत को, ओनरशिप को पोजेसिव कहा जाता है, ठीक है। जब आप किस चीज़ से मलकियत शो करते हैं, एसोसिएशन शो करते हैं, आप किस चीज़ के मालिक हैं इस चीज़ को शो करते हैं, तो फिर आप पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन लिखी है, ए प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ पोजेसिव नाउन, जो एक पोजेसिव नाउन को रिप्लेस कर देता है उसको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर माई बुक जो है आप उसके बजाय माइन लगा देते हैं, योर बुक जो है आप उसके बजाय योर्स बुक लगा देते हैं, कि मिसाल तो भैया आपकी किताब है, मेरी किताब है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हेज, इट्स हेज बुक, इट्स हर्स बुक, ठीक है ना। तो ये सारे आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन हैं जो आपकी मलकियत को शो करते हैं या दूसरे शख्स की मलकियत को शो करते हैं। जी इसी तरह से आपके पास इट्स है, देस है, ours है, ours house, our classroom। जी पोजेसिव प्रोनाउन को आप थोड़ा सा इस स्लाइड से समझिए, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखा हुआ है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में सब पोजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। आपके पास मिसाल के तौर पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो आई है, ठीक है ना, आपके पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई है, लेकिन जब आप उसकी पोजेशन शो करना चाहते हैं तो आप माइन कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यू के लिए आप योर्स ले आते हैं, ही के लिए हेज ले आते हैं, शी के लिए हर्स ले आते हैं, इट के लिए इट्स और दे के लिए देयर्स। जी नीचे एक जुमला लिखा है, आप इसको ज़रा देखिए, आई वॉन्ट द ब्लू शर्ट बैक,
मैं चाहता हूँ अपनी नीली शर्ट की वापसी, इट्स माइन, ये मेरी है। आई जो है यहाँ पर आपके पास प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्टिव है, लेकिन जो माइन है इसको भी हाईलाइट किया गया है, ये आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन है जो आपकी मलकियत को शो कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव आप समझते हैं, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो मुनाकिस होती है, जो वापस पलटती है, जो उलटती है, जो रिफ्लेक्शन से है। जिस तरह से शीशे में हम देखते हैं कि हम अपना अक्स देख पाते हैं जो रिफ्लेक्शन होता है हमारा, तो इसी तरह से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रेफर बैक कर रहा होता है आपके सब्जेक्ट की तरफ, यानी कोई भी एक्शन या स्टेट जो भी मेंशन होती है वो रेफर बैक होती है, रिवर्स हो रही होती है आपके सब्जेक्ट की तरफ। देखिए, एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंडिंग इन सेल्फ और सेल्स। अच्छा, वाहिद की सूरत में ये सेल्फ आएगा और जमा की सूरत में सेल्स आएगा। कह रहे हैं कि ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसकी एंडिंग हो रही हो सेल्फ की सूरत में या सेल्स की सूरत में, दैट शोज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कह रहे हैं कि जिससे ये जाहिर हो रहा हो कि जुमले का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की ही तरह है। आप देखिए ज़रा एग्जाम्पल्स को, यू मेड दिस बर्ड हाउस योर सेल्फ। देखिए, अब जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इसमें यू है, और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है योर सेल्फ, ये उलट रहा है यू की तरफ, हमारे सब्जेक्ट की तरफ। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि आपने खुद ही ये बनाया है बर्ड हाउस। इसी तरह से आज आई टॉट माई सेल्फ टू प्ले द गिटार, कि मैंने खुद को ही सिखाया ये गिटार प्ले करना, ठीक है। जब आप माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, देम सेल्फ है, इस तरह से जब आप रेफर बैक कर रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, तो इस सूरत में हमारे पास जो नाउन प्रोनाउन बनता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। लास्ट एग्जांपल देख लीजिए, वन कांट अवार्ड वन सेल्फ द प्राइज। जी, बंदा खुद को नहीं प्राइज दे सकता है, यानी अपना प्राइस खरीद कर खुद को ही अवार्ड कर दे, तो इस तरह से तो नहीं होता है। तो वन सेल्फ, वन कांट अवार्ड, कोई बंदा नहीं दे सकता है, अवार्ड नहीं कर सकता है, वन सेल्फ खुद को ही प्राइस अवार्ड। जी, इस स्लाइड में मैंने कुछ मज़ीद एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप इनको ज़रा देखिएगा, इनको आराम से ज़रा देखिएगा। अगर मैं इन सबको डिस्कस करता हूँ तो उसमें मसला ये होता है कि आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इसको जैसे ही देखते हैं कि बहुत लंबी वीडियो, तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो आपने इसको कुछ खुद से ही भी देख लेना, ताकि मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ, बाकी एग्जाम्पल से और कोटेशन से आपने ख़ुद भी चीज़ों को समझ लेना। तो नेक्स्ट मूव कर। जी, नेक्स्ट टाइप हमारे पास यहाँ है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होती है? जो किसी की तरफ निशानदही कर रही हो, इशारा कर रहा हो, कि आप जब फिगर आउट करते हैं किसी शख्स को, चीज़ को या जगह को, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। देखिए, ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टू ए स्पेसिफिक नाउन, ऐसा प्रोनाउन जो इशारा करे किसी स्पेसिफिक नाउन की तरफ, किसी खास नाउन की तरफ, या और प्रोनाउन किसी खास प्रोनाउन की तरफ। द ऑडियंस ऑलरेडी नोज अबाउट, ऐसा प्रोनाउन जिसको लोग पहले से जानते हों, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने मोबाइल फ़ोन पड़ा है और आपके दोस्त बैठे हुए हैं, तो आप बोलते हैं कि आई बॉट दिस मोबाइल फ़ोन लास्ट नाइट, ठीक है, मैंने ये वाला मोबाइल ख़रीदा था गुज़िश्ता रात। तो जब आप दिस है, दैट है, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, फिगर आउट करते हैं। जी, वाहिद हो तो दिस है, करीब के लिए, दूर हो और तो उस वाहिद हो तो उसके लिए दैट है, और करीब हों और बहुत सारे हों तो दीज, दूर हों और बहुत सारे हों तो दोज, ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए ये लगा देते हैं। जी, नेक्स्ट है नाइदर। नाइदर हम तब बोलते हैं जब हम दो या तीन से ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, तो उसमें हम कहना चाहते हैं कि मतलब नाइदर ऑफ अस बिलीव इन योर आइडिया, नाइदर ऑफ अस थिंक दैट योर आइडिया इज़ कूल, हम में से कोई एक भी ये नहीं समझता कि आपका अच्छा आइडिया है, ठीक है। नन, जी, नन ऐसी जगह पर आता है जब कोई एक भी ना मानता हो किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। नन ऑफ अस बिलीव इन योर आइडिया, ठीक है। इसी तरह से सच जो है, ऐसी, इसका मतलब होता है इस तरह या जिस तरह के वर्ड के लिए एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको सच का इस्तेमाल करते हैं। तो सच भी आपके पास डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, आई हैवंट सीन सच अ गुड बुक, मैंने इस किस्म की कोई अच्छी किताब नहीं देखी है, ठीक है ना। आई हैवंट सीन सच अ गुड बुक। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज़ सच एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ आपने देखा हम एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ, स्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा करने के लिए डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज़ कर रहे हैं। जी, तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन की समझ आ गई होगी। कुछ इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देख लीजिए। दिस इज़ माय चेयर, यहाँ पर हम दिस से इशारा कर रहे हैं कि ये मेरी चेयर है। दैट इज़ पीटर्स हाउस,
ठीक है, वो पीटर का घर है। यहाँ पर भी आप इशारा कर रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेस को। पहले एग्जांपल में आप पर्टिकुलर थिंग को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दूसरे एग्जांपल में आप पर्टिकुलर प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से दीज आर हर क्लोथेस, दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स, ठीक है। माइग्रेटिंग बर्ड्स कहते हैं जो परिंदे एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं, सर्दी और गर्मी के हिसाब से मूव करते रहते हैं, तो उनको माइग्रेटिंग बर्ड्स कहा जाता है। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा हैं और दूर हैं, तो इसके लिए दोस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो दीज है, ये बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन करीब पड़े हुए हैं, तो इसके लिए दीज का प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन के आई होप आपको समझ आ गई होगी जी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ। इनडेफिनेट प्रोनाउन देखें, ऐसी चीज़ की तरफ इशारा जो अननोन हो, जो नॉन स्पेसिफिक हो, जो मुबहम होती है, जिसका अदद मुबहम होता है, या जो मुतय्यन नहीं होती, गैर मुतय्यन चीज़ होती है, या गैर मुतय्यन अफराद होते हैं, उनकी तरफ इशारा करने के लिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसको ज़रा पढ़िए, प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस एन अननोन और नॉन स्पेसिफिक नाउन, जो अननोन या नॉन स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस कर देता है उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कह देते हैं जी। देखिए इसके एग्जांपल्स, एनी बॉडी मतलब कोई भी शख्स, लाइक एनीथिंग कोई भी चीज़, समवन समथिंग, नोबॉडी नथिंग। देखिए ये सब ऐसी एग्जांपल्स हैं जो किसी भी बंदे को या किसी भी चीज़ को के हवाले से स्पेसिफिक नहीं है, मखसूस नहीं है, बल्कि कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ या कोई भी जगह से मुतल्लिक हैं। तो ऐसे जब वर्ड्स होते हैं जो मुबहम होते हैं, जो गैर मुतय्यन होते हैं, वो भी प्रोनाउन होते हैं, और वो प्रोनाउन की टाइप्स में से इनडेफिनेट प्रोनाउन की काउंटिंग में आते हैं जी। यहाँ पर इस चार्ट में आपके सामने कॉमन इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो आम तौर पर बहुत ज़्यादा हमारे जुमलों में इस्तेमाल होते हैं। तो ऑल इन अ ग्रुप के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरीबॉडी एवरीवन, लाइक अगर क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहते हैं, ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी या गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस तरह से जब आप ग्रीट कर देते हैं तो ये इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट फिगर है आपका, वो गैर मुतय्यन है, सबको ही आपने उसमें शामिल कर दिया जी। बहुत सारी चीज़ों को शामिल करना हो तो आप कहते हैं एवरी थिंग इज़ अ मेस हेयर, यहाँ पर हर चीज़ मुंतशिर है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट आ रही है पार्ट्स ऑफ ए ग्रुप, अगर हम निशानदेही करने चाहते हैं पार्ट्स ऑफ ए ग्रुप की तरफ, एक ग्रुप के कुछ अज्जा की तरफ, तो हम क्या कहते हैं, एनी बॉडी एनी वन सम बॉडी और सम वन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से कि पार्ट्स ऑफ ग्रुप हो लेकिन कोई चीज़ हो या आइडिया हो, उसके लिए हम एनीथिंग या समथिंग का इशारा करते हैं। नॉन इन अ ग्रुप के लिए हम नो बॉडी और नो वन और नथिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन से मुतालिक मैंने एक और स्लाइड भी शेयर की है, आप काइंडली इसको भी ज़रा गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर जो चीज़ें समझ में ना आए आप उनको पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन के अक्स में आ जाता है डेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी मखसूस चीज़ या मखसूस जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। ज़रा इसको पढ़िए, डेफिनेट प्रोनाउन वुड बी अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक, जो किसी मखसूस चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो। सो ए पर्सनल प्रोनाउन वुड आल्सो बी डेफिनेट प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ है कि आपका जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, जैसे कि आई वो यू दे है, ये भी आपके पास डेफिनेट प्रोनाउन होते हैं क्योंकि ये मखसूस शख्स के लिए इस्तेमाल होने जा रहे होते हैं। एग्जांपल्स नीचे कोट की गई हैं, आप इनको देख लीजिए जी। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को जनरली समझ लीजिए कि ये ऐसा प्रोनाउन होता है जब एक बंदा एक रोल प्ले करता है और वो दूसरे से भी अपना वही रिस्पांस लेता है, वही सेम चीज़ रिस्पांस में लेता है, तो इसके लिए हम जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने दूसरे को गिफ्ट दिया और दूसरे ने भी इन रिस्पॉन्स उसको गिफ्ट दे दिया, तो ये उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे, जो प्रोनाउन चूज़ करेंगे, वो एक्चुअली रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। इसको हम एग्जांपल्स भी देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए जी। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन अदर्स एंड रिसीव्स द सेम एक्शन इन रिटर्न। कि ऐसी सिचुएशन में ये बोला जाता है जब कोई शख्स या कोई चीज़ कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करती है और रिसीव में और बदले में वो वही चीज़ रिटर्न में ले लेती है, तो उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखिए, द सेंटेंस एंड्रयू एंड बिल हेल्प्ड Each other means that Andrew helped Bill and Bill helped Andrew. कि एंड्रयू और बिल ने एक दूसरे की मदद की, जिसका वाज़े मतलब ये है कि एंड्रयू ने बिल की मदद की मुश्किल हालात में और बिल ने एंड्रयू की मदद की मुश्किल हालात में, तो दोनों के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है हमारे पास
each other, यानी कि एक दूसरे की मदद की. And I have quoted few other examples in this chart, in this slide. Have a look at this. इन examples को भी देख लीजिए. इसमें जो each other का word है, each other आपका reciprocal pronoun है जो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है. जी फाइनली एंड लास्टली हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको यूँ समझ लीजिए जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस वर्ड का, जिसको हम WH क्वेश्चंस भी कह सकते हैं. जो WH वर्ड्स होते हैं मिसाल तौर पर वाई है, व्हाट है, होम है, विच है, ये सब चीज़ें ये हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन में शुमार होते हैं. जी इसमें देखिए हमारे पास व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे सबसे पहला सेंटेंस है, और इसमें व्हाट हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये सवाल पूछने के लिए, इंटरोगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है. जी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, विच शर्ट डू यू थिंक लुक्स बेटर ऑन मी, कि मुझ पर आपका क्या ख्याल है कि कौन सी शर्ट बेहतर सूट करती है. तो इसमें विच जो है हमारे पास ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट सेंटेंस में हमारे पास हु हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. उम्मीद करता हूँ आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन जो इन जनरल हमने शुरुआत में पढ़ी थी और उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं वो समझ आ गई होंगी. कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा. टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.